बीते दिन 55 साल के बलराज सिंह चौहान को पुलिस भवाना थाने में पूछताछ के लिए लेकर आई थी, क्योंकि बलराज सिंह का लड़का एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस की माने कि पूछताछ के बाद बलराज सिंह को शाम के वक्त थाने से छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बलराज सिंह ने थाने की छत से ही कूदकर खुदकुशी कर ली। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि बलराज खुदकुशी क्यों करेगा और वो भी थाने में। आइए सुनाते हैं आपको कि इस मामले में परिवार वालों का और क्या आरोप है। सर, कल 11 बजे पापा को लेके गए थे, दो पुलिस वाले आए थे, क्या एक तो गाड़ी में था और एक ड्रेस में था, विदाउट ड्रेस था। तीन बंदे आए हुए थे और पापा को लेके गए थे 11 बजे, और 11 बजे से क्या नाम था पापा का, क्या डॉक्टर? पापा मजदूरी करते थे, पापा का नाम है बलराज सिंह, उम्र 55 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ सर, फिर मम्मी को उठाया, मम्मी को लेके गए पुलिस वाले, और 7 बजे से पापा का फोन आया था कि सुनील बेटा, पुलिस वाले तेरे पास फ़ोन करे तो तू यहाँ पे मत आना, तेरे को मारेंगे, ये मेरे को भी मार रहे हैं, फ़ोन कर किसी से मेरे को बचाओ, ये मेरे को मार रहे हैं, मेरे को बचा लो और आ जाओ बचाने के लिए, किसी को भेज दो, ये बोला। और उसके बाद फिर मैंने पापा के पास कॉल की तो पापा का स्विच ऑफ नंबर था, और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पापा की डेथ हो गई, कह रहे कि ऊपर से कूद के गिर गया। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी में से पुलिस गई, वहाँ से मुझे उठा के लाई तो यहाँ बैठाए रखा मेरे को रात के 2 बजे तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अजी 6 बजने के बाद मैं बैठी रही फिर जी मैं घूमने चली गई, बाथरूम करने चली गई। 7 बजे 7:15 बजे मैंने टाइम नहीं देखा, इतना टाइम था 6 बजे के बाद में। फिर मैं बाथरूम करके वापसी आई तो मैं खड़ी हो गई, मगर थोड़ी बार बाहर घूम ले, मैं खड़ी हो गई तो मैंने देखा ऊपर से मेरे आदमी को भगा दिया किसी ने ऊपर से। मैं भाग कर गई जी, मैं चिल्लाई, पुलिस वाली ने मेरे को एकदम से पुलिस ने हटा दिया। सर, वो पुलिस वाले मेरे भाई की इंक्वायरी के उसको लेके आए थे पूछताछ के लिए, और घर से लेके आए थे 11 और 12 के बीच में। तीन पुलिस वाले घर पे गए थे, देशपाल, प्रमोद और एक बंदा और था, हम उसका नाम नहीं जानते। उन्होंने यहाँ उसको मेरे चाचा को 7-8 बजे तक बिठाए रखा, मेरी मौसी को उठा लिया उन्होंने वहाँ से फैक्ट्री में से, उसको लेके आ गए। मेरी मौसी बार बार कहती रही कि मेरे आदमी से मिलवा दो, उन्होंने कोई नहीं मिलवाया। मेरे चाचा का फ़ोन बंद करवा दिया, उससे मिलने नहीं दिया। कब उठा के लाए थे? 11, कल 11 और 12 के बीच में सुबह। हम तो सर बाट देख के शाम को आए हैं यहाँ पे 5 बजे की, मौसी भी नहीं आई, चाचा भी नहीं आया, थाने में चल के देखो हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि मेरा चाचा कहाँ है, इन्होंने कोई बात नहीं करवाई, मिलने नहीं दिया। लेडीज कॉन्स्टेबल उन्होंने मेरी मौसी को धक्के मारे हैं, मेरी मौसी टॉयलेट के लिए गई थी, मेरी मौसी ने देखा है कि मेरे चाचा को ऊपर से फेंक रही है पुलिस वाले, पिट्टा पूरा रिमांड लिया, इन्होंने सबूत भी मिटा दिया। वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ था और ब्लड इन्होंने किसी चीज से ढका हुआ था, वहाँ मेरे चाचा की पैर की चप्पल पड़ी थी। आपको बता दें कि फिलहाल बलराज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर का पैनल गठन किया गया है ताकि यह बात सामने आ सके कि बलराज ने छत से कूदकर खुदकुशी की है या पिटाई की वजह से बलराज सिंह की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी इस मामले में कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है, लेकिन परिवार का जरूर आरोप है कि बलराज की हत्या की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस की आगे की जांच में क्या बात सामने आती है। पंजाब केसरी दिल्ली के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।